भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या ने बताया कि 26 सितंबर को हुई परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से युवाओं के साथ धोखा हुआ है तथा पात्र व्यक्तियों का चयन नहीं हो पाया। रीट पेपर लीक होने से सरकार की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण रहती है। 1 फरवरी के दिन जयपुर में जब इसके लिए शांतिपूर्वक धरना व प्रदर्शन किया जा रहा था, तब जयपुर पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के युवकों पर बलपूर्वक लाठीचार्ज किया गया तथा उनको गिरफ्तार भी किया गया, जिसके विरोध में आज डूंगरपुर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया तथा इसके लिए जो भी संबंधित अधिकारी जिम्मेदार हो उनकी गिरफ्तारी की मांग रखते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पे रीट परीक्षा को निरस्त करने के निमित्त धरना और प्रदर्शन किया गया था। चूंकि रीट परीक्षा जो 26 सितंबर को हुई थी उसमें भारी अनियमितता हुई थी, रीट का पेपर लीक हुआ था और उसमें राजस्थान सरकार के जिम्मेदार लोग भी इसमें शामिल थे। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी थी, जिन बच्चों ने अपने पिछले 2 वर्षों से तैयारी करके इस परीक्षा को दिया था, वो कई तरह से पीछे रह गए और जिन लोगों ने इस पेपर को खरीद करके और नकल करके वो पास हुए, उनके नंबर आगे आगे, उसकी मांग को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस रीट की परीक्षा को निरस्त करने की मांग के लिए कल धरने पे बैठे थे, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी भी थे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी शर्मा भी थे और कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जयपुर में थे। उनके साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक बलपूर्वक लाठीचार्ज किया और महिला कार्यकर्ताओं पे भी लाठीचार्ज किया। ये दुर्भाग्य हमारे इस राजस्थान का। लगातार हमारे हक की बात करने के लिए अगर कोई बात भी की जाती है तो पुलिस द्वारा बल प्रयोग करके डंडे मारे जाते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जिला डूंगरपुर, उस कल की जो घटना हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को गिरफ्तार किया गया, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जिला डूंगरपुर ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को दे करके ये मांग करती है, जिन पुलिस अधिकारियों ने, जिन पुलिस के जवानों ने हमारी महिला बहनों कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, हमारे निर्दोष युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और इनको सस्पेंड किया जाए। और अशोक गहलोत सरकार से फिर भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि रीट परीक्षा के लिए दो चारोली और एक दूसरे अधिकारी को सस्पेंड करके आपने इतिश्री करने से काम चलने वाला नहीं है। ये लड़ाई लंबी है, इसके अंदर और भी आपकी सरकार में दोषी जो लोग हैं, जिम्मेदार जो लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, इनको भी हटाया जाए, इनके विरुद्ध भी FIR दर्ज करवाई जाए, तभी ये भारतीय जनता पार्टी शांत होकर के बैठेगी। इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी जिला डूंगरपुर ने या कलेक्टर साहब के माध्यम से हम ज्ञापन भी देंगे और अशोक गहलोत का भी पुतला का दहन भी किया है हमने।